4 pi r square. Okay. Next लिखो hollow hemisphere. Hollow hemisphere. हाँ जी hollow hemisphere. क्या होता है hollow hemisphere? आपके पास जो टेनिस बॉल है कभी खेलते खेलते उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं उसी को बोलते हैं आप लोग होलो हेमिस्फीयर. हुए होंगे सभी के बहुत बार या बॉल को काट लो ठीक है तो आपको समझ जाएगा कैसा फिगर होगा. बाउल शेप ये जो शेप है आपकी दैट इज नोन एज होलो हेमिस्फीयर. ठीक है मार्क कर लेते हैं ना इसको ताकि आपको अच्छे से समझ आए. ये जो आपकी शेप है दैट इज नोन एज होलो हेमिस्फीयर. ठीक है वही इंटरनल रेडियस स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर हो गई है. तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. अच्छा अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो आप इसके अंदर कितना सामान डाल सकते हो. अंदर वाले पोर्शन का जो वॉल्यूम है 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब दैट इज नोन एज वॉल्यूम. अगर आपसे पूछ ले वाल्व का वॉल्यूम बाय चांस समझे. बट मैं वाल्व के वॉल्यूम के बाद तो साफ साफ पता है इसका इसमें डलेगा ना कोई भी मटेरियल डलेगा कितना होगा 2/3 पर. मुझे तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा है जो इस फिगर को बनाने में लगा है. तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बाहर वाले स्फीयर के वॉल्यूम से अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या करता हूँ माइनस. तो ये बचेगा आपके पास 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. क्लियर आगे बढ़ते हैं. लेटरल सरफेस एरिया कितना सरफेस दिखाई दे रहा है ऊपर का नहीं लेना है सिर्फ ये सरफेस. ये कितना दिखाई दे रहा है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होलो है तो यहां से अगर आप बाउल में देखो तो मुझे ये सारा सरफेस दिखाई देगा. ये कितना है 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ओके टोटल सरफेस एरिया ऊपर का ऐड कर देंगे लेटरल एज ऊपर का कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. बड़े सर्कल से छोटा सर्कल माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है यहाँ तक ये सभी फिगर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मैंने जस्ट रिवाइज करवा दिए. ठीक है नेक्स्ट फिगर हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन डालो फटाफट इसके बाद. देखो नेक्स्ट फिगर थ्रस्टम ऑफ कोन. थ्रस्टम ऑफ कोन बकेट शेप होता है. ठीक है जो आपके घरों में ग्लास होता है वैसी शेप बोल लो या इसको बकेट शेप बोलते हैं उसी को बोलते हैं थ्रस्टम ऑफ कोन. अच्छा क्यों बोलते हैं थ्रस्टम ऑफ कोन ये भी हम बात करेंगे. पहले मैं आपको शेप कंसीडर करा देता हूँ. ऐसी शेप होती है नीचे भी सर्कल यहाँ पर भी सर्कल. ठीक है ये सेंटर और ये सेंटर ये जो दोनों सेंटर्स को मिला दो दैट इज नोन एज हाइट ऑफ फ्रस्टम. बकेट शेप कैसे तो बकेट शेप बोल दो या ग्लास शेप बोल दो. छोटे वाले सर्कल का जो दो सर्कल होंगे कैपिटल सर्कल की रेडियस को मैं आर वन बोलूँगा स्मॉलर सर्कल की रेडियस को क्या बोलेंगे हम लोग आर टू बोलेंगे. दिस इज नोन एज हाइट एंड दिस इज नोन एज स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम. स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम को एल से लिखेंगे. लार्जर रेडियस आर वन स्मॉलर रेडियस आर टू एट हाइट एच इज हाइट ऑफ फ्रस्टम. क्लियर दिस इज दिस वन इज नोन एज फ्रस्टम. हाँ जी इसको फ्रस्टम ऑफ कोन क्यों बोला. फ्रस्टम को फ्रस्टम ऑफ कोन क्यों बोला बिकॉज दिस वन इज पार्ट ऑफ कोन. दिस वन इज पार्ट ऑफ कोन. कोई भी फ्रस्टम कोन का ही पार्ट होगा सुनो.
मेरे पास एक कोन है, क्या है अपने पास एक कोन है ए बी सी, ए बी सी सर्कल है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड, ये मेरे पास कोन है, रेडियस है, कोन की रेडियस आर वन, कोन की रेडियस क्या है आर वन, कोई भी कोन है इसकी हाइट क्या है मेरे पास एच वन है, ठीक है, स्लैंट हाइट एल वन है, स्लैंट हाइट क्या है एल वन है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग डेरिवेशन, हम देखो क्या होता है, बस मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन जैसे कि है किसी भी कोन को, किसी भी कोन को अब प्लेन पैरेलल टू बेस, दिस वन इज बेस, बेस के पैरेलल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, कट कर दो, बेस के पैरेलल क्या कर दो कट कर दो, तो आपके पास जो फिगर बनेगी, आप छोड़ एच वन एल वन को जो भी है, तो आपके पास जो फिगर बनेगी आप उसको बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन, दो फिगर्स बन गई मेरे पास, तो यहाँ पर जैसे आप कोन को कट करोगे तो यहाँ पर सर्कल आएगा, सोच के देखो ना आइसक्रीम कोन है ऊपर से उड़ा दो ऐसे, ऊपर सर्कल आएगा नीचे भी सर्कल, बट ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल से छोटा होगा, ठीक है, तो आपके पास दो फिगर बनेगी, ये तो क्या बन जाएगा स्मॉलर कोन और ये बन जाएगा फ्रस्टम ऑफ कोन, इसी को फ्रस्टम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन क्यों बोलते हैं क्योंकि ये पोर्शन कोन से ही डिवाइड होता है, कोन को कट करो प्लेन पैरेलल टू बेस, एक छोटा कोन बन जाएगा और एक फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है, फ्रस्टम का वॉल्यूम की डेरिवेशन कर लिया हम लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बड़ी आसान है सब कुछ, बहुत आसान है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बस इतना ही चैप्टर है, आप जितनी जल्दी हो सके ये सभी फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके थैंक यू।